सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेक्नो श्री चैनल और मैं श्रीराम पांडे आपका फिर स्वागत करते हैं ब्रांड न्यू वीडियो में। और गाइस, आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम अनबॉक्सिंग एक ब्रांड न्यू फ्लैगशिप क्लास स्मार्टफोन, ये है वन प्लस का नॉर्ड। और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसकी क्या है इसके स्पेसिफिकेशन और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और इसका कैमरा रिव्यू करेंगे, फ्रंट कैमरा की टेस्टिंग करेंगे, बैक कैमरा की टेस्टिंग करेंगे। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो ज्यादा टाइम वेस्टिंग करते हैं फटाक से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाक से वीडियो को लाइक कीजिए, लेट्स गो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप वन प्लस नॉर्ड खरीदना चाहते हैं तो आप इसे अमेजोन से, फिर इसके अलावा आपके जो नियर बाय विजय सेल्स स्टोर रहेंगे, क्रोमा स्टोर्स रहेंगे, वहां से आप इसे इजीली आप परचेस कर सकते हैं। कि वन प्लस का बहुत सारे ऑफलाइन रिटेलर्स के साथ भी पार्टनरशिप है, तो वहां से आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। सो आप इसे वहां से परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, ये है वन प्लस नॉर्ड का ब्रांड न्यू बॉक्स। अगर आप सामने की तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन प्लस नॉर्ड नॉर्ड नॉर्ड। इस तरफ अगर आप देखें तो वन प्लस नॉर्ड लिखा हुआ है। और गाइस, इसकी बॉक्स बाकी वन प्लस के फोन से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें ब्लू कलर है, बाकियों में रेड होता है। और अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन प्लस, यहाँ पर भी सेम एक QR कोड दिया हुआ है। और गाइस, पीछे की तरफ बाकी इस पारी की साइज स्पेसिफिकेशन दी हुई है। सो गाइस, यहाँ पे फोन की प्राइसिंग आप देखें तो लिखा हुआ है 28,000 रुपीज। और मेरे पास जो कलर है वो ग्रे ऑनिक्स 8128 वाला वेरियंट मेरे पास गाइस अवेलेबल है। और ये रहा नेट क्वान्टिटी, दैट्स इट। और इसके अलावा गाइस, यहाँ पे बाकी साइज स्पेसिफिकेशन दी हुई है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इनसाइड यहाँ पे स्टार वैल्यूज दिए हुए हैं। तो चलिए फोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो सामने की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे रखा हुआ ये ब्यूटीफुल सा वन प्लस नॉर्ड, जिसके ऊपर लिखा हुआ दिस पे नॉर्ड। अगर मैं इसका स्टिकर अगर मैं हटाऊं तो वाह गाइस, वैसे मानना पड़ेगा फोन बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो गाइस, यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड लिखा हुआ है। मैं ये इसे हटा देता हूँ, स्टिक कर देता हूँ बॉक्स पे। ये देखिए एकदम शाइनिंग कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, पूरी पूरी ग्लास बॉडी है, काफी लाइट वेट है गाइस वैसे। तो चलिए मैं फोन की तरफ में बाद में आऊंगा, पहले बाकी सारे बॉक्स कंटेंट्स को देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये एक और सेक्शन दिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या क्या है ये देखते हैं गाइस। ये है एक वेलकम लेटर पीठ की तरफ से हर बार वाला। एंड ये एक और कंपार्टमेंट दिया हुआ है इसके अंदर। सो पहले मैं इसे देखता हूँ। सो ये नॉर्ड के कुछ स्टिकर्स, क्विक सेटअप गाइड, ये और एक कुछ गाइड, सेफ्टी इंफॉर्मेशन। ये क्या है, रेड केबल क्लब मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने का जरिया दिया हुआ है इसके अंदर। ये कार्ड है रेड केबल क्लब का, मैं इसे निकाल के देखता हूँ। यह redcableclub.com, तो मैं इसे यहीं पर रख देता हूँ वापस से। ये सार वैल्यूज वगैरह दी हुई हैं। सो डेट्स इट, इतना ही पेपर वर्क है इसके अंदर। और गाइज, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रहा इसका सिम इजेक्टर पिन। सो मैं इन सबको एज इट इज यहाँ पे रख देता हूँ। और ये रहा गाइज इसका केस। अगर आप देखें तो केस के ऊपर भी एक अच्छी सी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिजाइन की हुई है। अब मैं इसे फोन पे, जब मैं इसे लगाऊं तो मैं इसे फोन पे लगाता हूँ। ये वन प्लस, और ये फोन पे लगाने के बाद काफी अच्छी फिट है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे गाइस पूरा का पूरा एकदम मैट है, और यहाँ पे एक रबर फिनिश है। सो होल्ड करने में गाइस काफी ज्यादा अच्छा है। मैं इसके में बाद में आता हूँ। बाकी इसके अंदर है गाइस, और पहले ये टाइप सी केबल जो वन प्लस का रेगुलर होता है, और ये एक 30 वॉट का चार्जर होना चाहिए आई गेस। सो देखते हैं, ये वाप चार्ज लिखा हुआ है सामने और यहाँ पे। सो गाइस, अगर आप देखें तो 5 volts at 6 amps, यानी कि एक 30 वॉट का एक चार्जर है जो आपके फ़ोन को बहुत ही जल्दी करेगा चार्ज।
तो चलिए गाइस ये सब हटाते हैं और मैं आता हूँ फोन की तरफ। सो गाइस अब अगर मैं बात करूँ इस फोन की, तो ये है भैया ग्रे ऑनिक्स कलर के में आता है ये फोन। और मैं बात करूँ डिस्प्ले की, तो भैया बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है। पहले अगर मैं बात करूँ वेट की, तो इसका वेट है 184 ग्राम, लेकिन फोन जरा भी हैवी नहीं लगता, बहुत ही हल्का सा फोन है। वेट बैलेंस बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। इसके अलावा मैं बात करूँ डिस्प्ले की, तो इसमें 6.44 इंच एक फुल एचडी प्लस वाली डिस्प्ले लगी हुई है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 90 हर्ट्ज़ वाली डिस्प्ले है, फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आगे और पीछे दोनों तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन वाला ग्लास लगाया गया है। इसके अलावा फोन ऑक्सीजन OS 10 पे रन कर रहा है, इसके एंड्रॉइड 10 इसमें रन कर रहा है। 765 GB का चिपसेट लगा हुआ है, जो कि 5G चिपसेट है। तो जब 5G आएगा, तो अब आपको 5G के लिए एक अलग से फोन खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और फोन 30D वाप चार्ज से चार्ज होता है। अब अगर मैं बात करूँ कैमरा की, तो इसमें भैया मेन जो कैमरा लगा हुआ है वो है सोनी का IMX586, 48 मेगापिक्सल का सेंसर है। दूसरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, तीसरा है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, और चौथा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, जिसमें साथ ही आपको डुअल LED फ्लैश भी आपको साथ में मिल जा रहा है। और इसके अलावा गाइस अब 2x जूम तक आप फोकस कर सकते हैं बड़े ही इजीली। अगर मैं बात करूँ सामने की, तो सामने है 32 मेगापिक्सल का सोनी IMX616 का सेंसर, और साथ में एक अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का सेंसर लगा हुआ है। चलिए अब फोन के पोर्ट्स एंड बटन्स की बात कर लेते हैं। जब तक गाइस फोन बूट होता है, चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की बात कर लेते हैं। तो भैया देखो अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर है वॉल्यूम रॉकर्स, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे टेक्टाइल फील के साथ आते हैं, प्लास्टिक बिल्ड है। इसके अलावा अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ, तो नीचे यहाँ पर एक सिम स्लॉट दिया हुआ है, जो कि एक डुअल सिम स्लॉट है, टाइप सी माइक्रोफोन है। इसके अलावा स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है, राइट साइड में पावर बटन और अलर्ट स्लाइडर वन प्लस का दिया हुआ, और ऊपर के साइड है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। और तो भैया और कुछ नहीं दिख रहा है, तो चलिए मैं इसे ज़रा सा सेटअप करके आपसे फिर से आके मिलता हूँ। और गाइस चलिए अब मैं फिंगरप्रिंट सेंसर को सेटअप कर देता हूँ फटाक से। सो गाइज ये सेटअप यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड, एकदम ऑक्सीजन OS का वही टिपिकल सा UI, एकदम मजा आ गया, एकदम सॉफ्ट डिस्प्ले है, एकदम स्मूथ डिस्प्ले है, आपको कहीं भी कोई लैग्स नहीं। और ये देखिए मुझे एक और अपडेट आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है अपडेट। और इसके अलावा अगर हम देखें, तो भैया एकदम काफ़ी स्मूथ है यार, बहुत फास्ट है, मुझे ज़रा सा भी कोई भी लैग नोटिस नहीं हो रहा, जबकि मैं एकदम फटाफट कर रहा हूँ, एकदम फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन कोई मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे अब तक। और गाइस कोई बग्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर्स नहीं है, सिर्फ नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम मुझे दिख रहा है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है वैसा। और बाकी सब एकदम क्लीन UI है गाइस, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। देखते हैं अभी तो स्टार्टिंग है, और ये मुझे इसके लिए पूछ रहा है, तो देखते आगे कैसा परफॉर्म करता है ये। अभी तक तो बहुत ही अच्छा मेरा है। तो चलिए अब जरा मैं इसका कैमरा भी एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, और ये परमिशंस दे देते हैं। सो गाइस ये कैमरा ओपन हो चुका है, चलिए इसके बॉक्स की कुछ सैंपल शॉट्स क्लिक करते हैं। और ये एक पिक, अब ये हम इसे अलग अलग मोड्स में क्लिक करते हैं। सो ये 2x में, अब ये वाइड एंगल में एक बार क्लिक करते हैं। वैसे गाइस मानना पड़ेगा कैमरा बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्मूथ है। अब ये वीडियो मोड में जाए, तो वैसे गाइस इसमें 4K आप 60 FPS तक आप शूट कर सकते हो, सिने मोड भी इसमें अवेलेबल है, अल्ट्रा HDR आ रहा है। यहाँ से गाइस आप फिल्टर्स आप ऐड कर सकते हो बहुत सारे अपने मनपसंद के, टच टू फोकस है। और इसके अलावा गाइस आपको इसमें और भी बहुत सारे मोड्स, बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखा अल्ट्रा शॉट HDR यहाँ पे पहले आपको दिख गया। इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन में अगर आप जाए, तो यहाँ पे आपको अलग अलग वीडियो मोड के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, बैक में और फ्रंट में भी। इसके अलावा इसमें मैंने नोटिस किया 60 FPS अब भी मिसिंग है, लेकिन मे बी कंपनी उसे ऐड कर सकती है। लेकिन हाँ, फ्रंट कैमरा में आपको 4K 60 FPS आपको अवेलेबल मिल जाता है, यानी कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं आपको सैम्पल शॉट शो कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर डिटेलिंग है, आपको कहीं पे भी कोई भी मीन्स एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा कुछ डिस्टॉर्शन या कुछ नहीं मिल रहा है। ये देखिए, अब ये देखिए गाइस कितना एकदम परफेक्ट, एकदम नेचुरल ब्लेंड है पूरा पिक्चर। और ये वाला देखिए, इसमें गाइस सारे के सारे कलर्स एकदम क्रिस्प उठक के आए हैं। सो गाइस वीडियो का पूरा पोर्शन इसी वन प्लस नॉर्ड के बैक कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक वीडियो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसकी क्लैरिटी। ये देखिए
कलर्स एकदम बहुत ही अच्छे से उभर के आ रहे हैं। मैं इसे थोड़ा सा वाइड में टू एक्स में जाता हूँ। सो ये देखिए, अब मैं वाइड में जाता हूँ तो ये देखिए। सो गाइज, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका बैक कैमरा। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चलिए अब इसका फ्रंट कैमरा टेस्ट करते हैं। सो गाइज, ये वाला वीडियो का पोर्शन पूरा का पूरा इसी फ्रंट वन प्लस नॉर्ड के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड किया हुआ। मैंने कोई एक्सटर्नल माइक कनेक्ट नहीं किया है, जो इंटरनल माइक है उसी से साउंड भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको इसका साउंड कैसा लगा, इसका वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और क्या आपको लगता है कि ये व्लॉगिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। सो गाइस, अब अगर मैं बात करूं तो इसमें कैम टू एपीआई का भी सपोर्ट है। अगर आप चाहें तो आप गूगल कैम आप इसीलिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डीआरएम की, तो भैया इसमें आपको मिल जाता है वाइड वाइन L1 का सपोर्ट, यानी कि आप इसमें बहुत ही इजीली आप HD कंटेंट आप प्ले कर सकते हैं। अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पे हो, नेटफ्लिक्स हो, Amazon प्राइम हो, कोई भी OTT प्लेटफॉर्म है, आप उसके बाद बहुत इजीली आप HD कंटेंट आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। तो भैया अगर आपको चाहिए वाइड वाइन L1 का यूज, तो जाइए, मेरा ऊपर एक वीडियो है, जाके देख लीजिए, फ्री में नेटफ्लिक्स ले लीजिए। और अब गाइस, अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की, तो भैया डिस्प्ले तो कमाल का है। अब अगर मैं आपको अलग अलग एंगल से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन देखने में बिल्कुल ऐसा जैसे एक डमी फोन है, पता नहीं चलता कि भैया एकदम असली एकदम ब्रांड न्यू वन प्लस नॉर्ड है। क्योंकि इसके ये देखिए कलर्स मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ, और जस्ट सी दिस यार, क्या परफेक्ट ब्लेंड है, मतलब एकदम मजा ही आ गया। कलर्स एकदम क्रिस्प, एकदम मजेदार है, मजा आ गया भैया। आपको एकदम नेचुरल मूवीज वगैरह अगर आप देख रहे हैं, आपको मजा एकदम डबल ट्रिपल चौपल हो जाएगा, मजा आ जाएगा। चलिए अब स्पीकर को भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। गाइस, अब अगर मैं बात करूँ स्पीकर की, तो स्पीकर बहुत ही अच्छा है गाइस, और साउंड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छी लगी। और ये जो साउंड आपने सुना है, ये डायरेक्टली फोन के माइक से रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि मैंने कोई एक्सटर्नल माइक इसमें कनेक्ट नहीं किया हुआ था। और साउंड वोकल सब के सब ट्रेबल बहुत ज्यादा अच्छा, और ये आउटडोर कंडीशन के हिसाब से बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा ये स्पीकर। ये साउंड मैंने डायरेक्टली कार में रिकॉर्ड किया था माइक। और गाइस, अब अगर हम आगे इस वन प्लस नॉर्ड के सेटिंग्स और स्टोरेज वाले ऑप्शंस को चलिए थोड़ा सा ढूंढते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ इस ब्रांड न्यू फोन के अंदर। तो चलिए ओपन करते हैं सेटिंग्स, और ये रहा ऑप्शन, और चलिए देखते हैं कि भैया 128 GB वाले वेरिएंट में हमें कितना खाली मिल जा रहा है। तो हमें 104 GB गाइस अप्रोक्सीमेटली हमें खाली मिल रहा है इस 128 में। और मैंने 2-3 पिक्स मैंने इससे क्लिक किए हुए हैं अभी तक, और तो बाकी कुछ भी नहीं है, और बाकी पूरा क्लीन है। चलिए और भी थोड़े सेटिंग्स वाले ऑप्शंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.1 का ब्रांड न्यू सपोर्ट मिल जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा गाइस, अगर हम डिस्प्ले में चले, तो यहाँ पे वही रेगुलर है। और अगर हम एम्बिएंट डिस्प्ले में चले, तो गाइस यहाँ पे आप थोड़े से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, किधर गया, वेयर इज द ऑप्शन, हाँ ये देखिए, यहाँ पे गाइस आप थोड़े से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आप अपने फिंगरप्रिंट एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ पहले। ये मैंने अप्लाई किया, चले देखते हैं। इसके अलावा गाइस, आप क्लॉक का एनिमेशन आप चेंज कर सकते हो। इसमें एम्बिएंट डिस्प्ले है, तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आपको कैसा रखना है ये आप कर सकते हैं। ये फॉन्ट अगर आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ऐप्स का लुक आप चेंज कर सकते हैं, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ओएस वाले पे। और भी गाइस, आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मुझे ऑक्सीजन ओएस वाला मुझे ज्यादा पसंद आता है। और गाइस, अगर हम अबाउट फोन में चले, तो यहाँ पे आपको बाकी की सारी की सारी स्टोरेज आपको सारी की सारी आपको इन्फो ऐप पे मिल जाएगी। अब गाइस, अगर मैं बात करूँ तो इसके डिस्प्ले में आपको बहुत ही ज्यादा एडवांस ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये देखिए 90 Hz पे ऑलरेडी प्री सेट है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे आके आप सेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 90 Hz पे आपकी बैटरी थोड़ी सी ज्यादा कंज्यूम कर सकता है फोन। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पे गाइस आप अपने आई रेशियो के हिसाब से आप कलर्स को आप कैलिब्रेट कर सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए और कैसा नहीं। चलिए अब थोड़ा सा गेमिंग को एक्सप्लोर करें। सो गाइस, अब अगर हम बात करें गेमिंग की, तो मैं यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम आपको यहाँ पे इसमें खेल के दिखा देता हूँ। और ये मैंने गेम इसमें ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं कि भैया ये गेमिंग के मामले में कैसा परफॉर्म करता है। और ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो भैया आपको फर्स्ट विजुअल के हिसाब से आपको मजा ही आ जाएगा। एकदम इमर्सिव डिस्प्ले है यार, कसम से आई एम गेटिंग फैन ऑफ इट। तो चलिए भैया थोड़ा सा खेल के फिर आपको इसकी सेटिंग्स भी दिखाता हूँ। तो भागो, ये नहीं नहीं अटका। चलिए अब थोड़ा देखते हैं। सो हियर इट गोज,
अब गाइस अब थोड़े से भैया सेटिंग्स के अंदर घुसते हैं। सो ये देखिए गाइस, आपको बाय डिफॉल्ट आपको ग्राफिक्स मीडियम पे सेट है, लेकिन हाँ आप उसे वेरी हाई तक आप स्विच कर पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फ्रेम रेट की, तो वो भी हाई पे सेट है। हाँ आप इसे मैक्स पे आप स्विच कर पाएंगे। सो गाइस बाय डिफॉल्ट आपके सेटिंग्स लो रहेंगे, लेकिन हाँ आप उसे ज़्यादा पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यर इट सेज कि अगर आप उसे ज़्यादा पे अगर करेंगे थोड़ी सी आपको इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इशू आएगी। सो मैं इसे फिलहाल के लिए बंद करता हूँ। और गाइस अब अगर मैं बात करूँ इस फोन की, तो मुझे ये हल्का सा कुछ गर्म होता हुआ फील हुआ है पीछे कैमरा के पास वाला एरिया। मैं इसे ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ 1 आवर के आसपास से। सो हाँ ये बात है कि ये हल्का सा गर्म होता हुआ मुझे फील हो रहा है। और लेकिन स्टिल गाइस मुझे कोई लैग्स नोटिस नहीं हो रहा है, कोई ऐसा इशू मुझे नोटिस नहीं हो रहा है। ये देखिए मैं इसे थोड़ा सा ब्राइटनेस के साथ भी मैं खेलता हूँ, डिस्प्ले काफी ब्राइट है गाइस वैसे मानना पड़ेगा, लेकिन हाँ गाइस कोई इशू ऐसा नोटिस नहीं हो रहा है। सो गाइस चलिए अब थोड़ी सी सिक्योरिटी की भी बातें हो जाए, तो सिक्योरिटी के मामले में इसमें फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक अवेलेबल है। तो चलिए भैया फिंगरप्रिंट को सबसे पहले टेस्ट करते हैं। और गाइस ये देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, और ये टच किया अनलॉक, फिर से करते हैं टच किया अनलॉक, मैंने इसको ठीक से प्लेस नहीं किया था, टच किया अनलॉक। अब गाइस मानना पड़ेगा फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, आपको मजा आ जाएगा, मीन्स ऐसा कोई इशू नहीं मुझे नोटिस नहीं हुआ। चलिए अब फेस अनलॉक को भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। सो चलिए ये मैंने फोन को लॉक रखा हुआ है, सो ये मैं इसे अपने चेहरे के सामने लाता हूँ एंड ये इट अनलॉक्स। एक बार फिर से करते हैं अनलॉक्स, वंस अगेन अनलॉक्स, फिर से करते हैं ये इट अनलॉक्स। और गाइस फेस अनलॉक भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, अब मानना पड़ेगा कि फोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस अगर अब अगर मैं बात करूँ अपने इस फोन को लेके अपने इनिशियल एक्सपीरियंस की, तो मैं कहूँगा कि ये फोन ऑसम है गाइस। आई मीन आपको 28,000 के अंदर 25,000 के अंदर आपको देखा जाए तो आपको 5G मिल जा रहा है, 5G फोन। जब भी 2 साल बाद या 2.5 साल बाद जब भी 5G आएगा तो आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा गाइस फोन में ऑलमोस्ट सब कुछ है, कैमरे से लेके फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसका बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर मैं कहूँ इसका फेस अनलॉक, तो फेस अनलॉक भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर मैं दिखाऊँ ये देखिए अनलॉक्स गाइस, ये बहुत ज़्यादा एक फास्ट फोन है। इसके अलावा मैं बात करूँ भाई इसके चिपसेट की, तो अब तक मुझे ज़रा सा भी लैग नोटिस नहीं हुआ। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो इसमें डुअल वोल्टी डुअल वॉइस ओवर वाईफाई सपोर्टेड है बहुत ही आसानी से। इसके अलावा गाइस इसमें फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले लगी हुई, यानी कि डिस्प्ले की क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी, कलर्स काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको बहुत अच्छा एक व्यूइंग एंगल मिलेगा। और इसके अलावा गाइस आप चाहे से कौन से भी एंगल से देखिए, ये देखिए मैं अभी भी आपको इतने दूर से भी दिखा रहा हूँ तभी भी, ये देखिए मैं कोई भी एंगल में शो करूं आपको फोन का एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। अब गाइस अगर मैं बात करूं इसकी प्राइसिंग की, तो मुझे प्राइसिंग इसकी अच्छी लगी। फिलहाल मुझे लगता है कि इसे 1-2 हज़ार थोड़ा नीचे होना चाहिए था, लेकिन हाँ प्राइसिंग मुझे फिर भी मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। कह सकते हैं एक तरीके से फ्लैगशिप किलर तो इसे कह ही सकते हैं, बिकॉज गाइस इसमें फ्लैगशिप फोन वाले ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं। इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डिस्प्ले गाइस आपको 90 हर्ट्ज़ की मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी डिस्प्ले, आप उसे अपने हिसाब से आप कैलिब्रेट कर सकते हैं कलर्स को, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। सो गाइस अगर मुझे इस फोन को ओवरऑल अगर रेट करना हो आउट ऑफ 10, तो मैं इसे मार्क्स दूंगा 8.9 1.1% मैं इसके इसलिए काटूंगा क्योंकि मीन्स प्राइसिंग मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी, थोड़ी सी ज़्यादा। लेकिन गाइस ओवरऑल फोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम फोन है। और गाइस ऑक्सीजन OS जो कि वन प्लस का अपना नेटिव UI है, वो एक बहुत ही एक अच्छा OS है, यानी कि आपको बहुत ही एक स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा। आपने अगर वन प्लस के कोई फ़ोन यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा कि वन प्लस अपने फ़ोन की यूज़र एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अपडेट्स के मामले में वन प्लस बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उस मामले में ये फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी कि आपको आने वाले 2 साल में आपको जितने भी गूगल के OS होंगे, सिक्योरिटी पैचेस होंगे, सब आपको एकदम टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। सो गाइस दिस आर माई इनिशियल एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फोन। आपको क्या लगता है कि फ़ोन कैसा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा। और क्या आपने वन प्लस नॉट खरीदने की कोशिश की, क्या आपको मिला मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।